नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सलोनी राणा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आदर्श गांव का सपना देखा था। देश तो आजाद हो गया, लेकिन बापू का सपना पूरा नहीं हो सका। बापू के उस सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री की योजना के अनुसार हर सांसद को 2019 तक 3 आदर्श गांव बनाने हैं, जिसमें सांसदों की कोशिश से 2016 तक उनके द्वारा गोद लिया पहला गांव आदर्श गांव बन जाना चाहिए था, और उसके बाद 2019 तक 2 गांव और गोद लेकर उन्हें भी विकसित किया जाना था। पीएम के कहने पर सभी सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र के गांव को गोद तो लिया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर आकार ले सकी? क्या सांसदों के गोद लिए गांव आदर्श बन सके? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, जानेंगे विकास का सच। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल करते हुए सांसद आदर्श ग्राम योजना को लागू कर दिया। देश भर में फैले 6,00,000 गांव में से 2500 से ज्यादा गांव को योजना का हिस्सा बनाया गया, और इसी योजना के तहत मुरादाबाद 6 के सांसद सर्वेश सिंह ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव डिलारी ब्लॉक के ग्राम सहसपुरी गांव को गोद लिया था। जब इस गांव को आदर्श योजना के तहत चुना गया तो गांव में खूब खुशियां मनाई गई। सांसद का स्वागत भी लोगों ने बड़े ही जोरों शोरों से किया। इस मौके पर सांसद ने गांव के लोगों को गांव के विकास का भरोसा भी दिलाया था। उन्होंने गांव में बिजली, पानी, शौचालय, सड़कें, स्वास्थ्य सहित तमाम बुनियादी सुविधाओं का भरोसा दिलाया था। आज सांसद की ओर से गांव के लोगों को किए गए वादों को करीब 4.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन फिर भी गांव के हालात नहीं बदले। गांव वालों का कहना है कि जब से गांव गोद लिया है, तब से सांसद गांव में नहीं आया और ना ही गांव की स्थिति जानी, और गांव की सड़कें पूरी तरह से जर्जर हालत में हैं। सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पाई है। क्या नाम है आपका? ललता। कौन सा गाँव है? जो आपको कोई मकान मिला या शौचालय बना? कुछ भी ना मिला। ये सांसद जी ने ये गांव गोद लिया था, गोद लेने के बाद कितनी बार आए हुए यहाँ पर गांव में? एक बार भी नहीं आए यहाँ पे। तो अच्छा, तो आपको कोई मकान योजना के तहत मकान भी नहीं मिला, ना ही शौचालय बना? मिल जाता तो क्या है। इसकी शिकायत प्रधान से करी आपने कभी? कुछ भी ना। वही लोगों का कहना है कि जब सांसद ने उनके गांव को गोद लिया तो उन्होंने महसूस किया था कि अब गांव में विकास के द्वार खुल जाएंगे, लेकिन सांसद की ओर से गांव को गोद लेने का कुछ भी लाभ नहीं हो पाया है। क्या नाम आपका? चरण सिंह। चरण सिंह, यदि गंदगी पड़ी है तो ये कितने टाइम से पड़ी है गंदगी यहाँ पे? ये तो कई साल हो गए गंदगी को। अच्छा, तो यहाँ पे कोई सुनवाई इसकी नहीं होती है? कोई भी नहीं, सब आते हैं अधिकारी, इंक्वायरी करके ले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ लगभग सांसद जी द्वारा कितनी बार यहाँ पर आए गए हैं कि आप इस सुनने के लिए? तो यहाँ लौटे भी नहीं। लौटे भी नहीं यहाँ पर? नहीं आए। अच्छा, कितनी परेशानी यहाँ पर आ रही है? यहाँ पर तो निकलने के गड्ढे लेकर करते हैं आदमी यहाँ। अच्छा, कागजों में जो दर्शाया गया है बना, मतलब दर्शाया गया है? हाँ, कागजों में बना हुआ है, लेकिन बना नहीं अभी तक। कुछ कई बार इंक्वायरी हो गई, अरे कोई इंक्वायरी करके ले आता, कोई इंक्वायरी दब जाती है। 10 बार तो प्रधान के द्वारा चले गए, मोहल्ला इकट्ठा होकर प्रधान कहते था कि सुनेंगे भाई बजट आएगा। सांसद जी जब से यहाँ, सांसद जी ने जब से इस गांव को गोद लिया तब से कितनी बार आया? एक बार गोद ले लिया, उतारा ही नहीं आज तक नीचे। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि सांसद की ओर से गांव को गोद तो ले लिया गया, लेकिन क्या गांव का विकास होगा या गांव की सूरत बदलेगी? मुरादाबाद से संवाददाता नसीम खान की स्पेशल रिपोर्ट।